हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब और उसके बारे में हमने कुछ बहुत सिंपल सिंपल बहुत छोटी छोटी बातें समझी हैं जो कि आगे हमें काम आएंगी। ठीक है, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब का हमने पढ़ा था काम, हमने पढ़ा था कि इसका फंक्शन क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब का फंक्शन क्या होता है, हमने पढ़ा था इसका काम होता है या तो नाउन बनना या एडजेक्टिव बनना या एडवर्ब बनना। कैसे ये काम करती है नाउन का, कैसे ये करती है एडजेक्टिव का, कैसे ये काम करती है एडवर्ब का, ये हमने एग्जांपल से समझा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है उस पर इफेक्ट किस किस का आता है या फिर उस पर इफेक्ट किस किस का नहीं आता है। तो हमने समझा था कि जो सब्जेक्ट होता है ना फाइनाइट वर्ब का, जो मेन वर्ब होती है उसका जो सब्जेक्ट होता है उससे नॉन फाइनाइट वर्ब को कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, और तीसरी छोटी सी बात हमने ये समझी थी कि टेंस का भी नॉन फाइनाइट वर्ब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको याद होंगी और हम बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप। आप हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, देखो हमने जो एग्जांपल पढ़े थे ना उसमें मैंने टाइप वाइप कुछ नहीं बताया था। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो होती है ना नॉन फाइनाइट वर्ब, वो तीन टाइप की होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थ्री। ठीक है, कौन कौन सी? नंबर वन होती है इन्फिनिटिव। आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जिन्होंने इनको पढ़ा है उन्हें पता भी होगा। फिर होती है जेरंड और थर्ड होती है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव इसका काम क्या होता है, जेरंड इसका काम क्या होता है, पार्टिसिपल इसका काम क्या होता है। अब देखो ध्यान ये रखना है कि नॉन, ये तीनों क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो काम तो वही होने, कौन से वाले, नाउन के, एडजेक्टिव के या फिर एडवर्ब के। काम तो इन तीनों में से ही होगा, इन तीनों का। हो सकता है किसी का तीनों काम हो सकता है किसी का एक काम हो सकता है किसी के दो काम हो, बट इनके ही फंक्शन जो होंगे ना इन तीनों के, वो इनमें से ही कोई एक या दो या तीन होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उससे ना चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। समझना बात को बहुत ध्यान से। इन्फिनिटिव, अच्छा पहले मैं ऐसे ही जनरल एग्जाम्पल लिखता हूँ। दे They avoid to run. ठीक है, avoid के साथ to run लिखो, they avoid running लिख दो। They advise to run. थर्ड, इन्फिनिटिव, ठीक है, द बेस्ट सिंगर टू कॉल इज अरिजीत। हो सकता है किसी ARIGIT, किसी को कोई और पसंद हो तो कोई बात नहीं है, बस हमने इसको एग्जांपल को समझने के लिए लिखा है। ठीक है, ओके, द क्राइंग बेबी वांटेड मिल्क। ठीक है, टू रन हो गया, टू कॉल हो गया, अपॉइंटेड आ गया,
ओके चलो समझते हैं। दे अवॉइड रनिंग, अवॉइड क्या है हमारी यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं मैन वर्ब भी बोलते हैं। दे अवॉइड रनिंग, अब अवॉइड के बाद क्या आएगा, अवॉइड फाइनाइट वर्ब है और ध्यान रखना ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। इस वर्ब से पूछो व्हाट, उन्होंने क्या अवॉइड किया, तो दौड़ना, तो ये क्या हो गया रनिंग, क्या हो गया ऑब्जेक्ट। और जिसने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं उसको पता है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनने का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो ये क्या है नाउन। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे क्या काम कर रही है, नाउन का। अब देखो दे अवॉइडेड टू रन, ये हमारी फिर से वर्ब हो गई, मैन वर्ब लिख दो इसको, और ये फाइनाइट वर्ब भी होती है, मतलब मैन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, ये फिर से ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ट्रांजिटिव वर्ब का तो उसके बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट, जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये फिर से नाउन हो गया, ठीक है। अब देखो इसको ना ऐसे समझना, थर्ड एग्जाम्पल, द बेस्ट सिंगर इज अरिजीत, टू कॉल को एक बार हटा दो, द बेस्ट सिंगर इज अरिजीत, जो बेस्ट सिंगर है वो कौन है, अरिजीत है। अभी हमने लगा दी टू कॉल बीच में, तो ये टू कॉल किसके लिए यूज हुआ है, एक बार थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे समझोगे तो पता चलेगा। द हमारी इज जो है ना यहाँ पे मैन वर्ब है, क्योंकि सेंटेंस तो इतना ही कंप्लीट है, द बेस्ट सिंगर अरिजीत, तो ये हमारी मैन वर्ब है, तो ये हमारी क्या हुई, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब है और टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब यूज किसके लिए हो रही है, अगर ये किसी नाउन के लिए यूज हो रही है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर खुद नाउन का काम कर रही है तो ये नाउन हो जाएगी, अगर ये किसी वर्ब के लिए यूज हो रही है तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। अब देखो द बेस्ट सिंगर टू कॉल, जो जिसको हम सबसे अच्छा सिंगर बोल सकते हैं, तो ये सिंगर के लिए यूज हो रही है, सिंगर हमारे यहाँ पे नाउन है, तो किसी भी नाउन को जो क्वालिफाई करे, किसी भी नाउन को जो डिस्क्राइब करे, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो टू कॉल यहाँ पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव। द क्राइंग बेबी वॉन्टेड मिल्क, अब देखो इसको ना क्राइंग हटा दो, द बेबी वॉन्टेड मिल्क, बच्चा क्या चाहता था, दूध है ना। अब इसमें हमने लिख दिया था क्राइंग बेबी, कैसा बच्चा, कौन सा बच्चा, तो ये क्राइंग किसके लिए यूज हुआ है, बेबी के लिए, बेबी हमारा नाउन है, जब ये नाउन है तो नाउन के लिए यूज होने वाले वर्ड क्यों होते हैं, एडजेक्टिव। एक और लिखो एग्जाम्पल, विराट ब्रॉट ए रिंग, रोट अनुष्का लिख दो, विराट ब्रोट अनुष्का ए रिंग टू शो हिज लव, दिख रहा है, ठीक है, विराट ब्रोट अनुष्का ए रिंग टू शो हिज लव। देखो ये ब्रोट हमारे यहाँ पे क्या होगी, फाइनाइट वर्ब, जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। अब ये डाइट्रांजिटिव वर्ब है, किसके लिए लाया और क्या लाया, क्या लाया, व्हाट का रिप्लाई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप बेसिक्स देखोगे तो उसमें आपको समझ आएगा। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब व्हाट का रिप्लाई जो होता है ना वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का रिप्लाई होता है ना वर्ब से जब हम पूछते हैं वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसके लिए लाया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये हमारी मेन वर्ब हो गई, तो यहाँ पे अगर आपको दिख पा रही है तो टू शो, शो जो हमारी एक और मेन वर्ब लिखी, एक और वर्ब लिखी हुई है, तो ये किसके लिए यूज हुई है, विराट जो है अनुष्का के लिए एक रिंग लेके आया, वाई क्यों लेके आया, तो ये वाई का रिप्लाई है ना। और हमने पढ़ा है कि वाई हाउ वेयर व्हेन, इनके जो रिप्लाई होते हैं ना वो क्या होते हैं, एडवर्ब। तो ये क्या है हमारी यहाँ पे, एडवर्ब, जो किसके लिए यूज हो रही है, जो ब्रॉट वर्ब है, क्यों लेके आया, इसके लिए, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। अब ध्यान से मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझना, देखो यहाँ पे है टू सो, यहाँ पे है टू कॉल,
और यहाँ पे टू रन, टू रन टू कॉल टू शो। सिर्फ हमें को एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर थ्री और एग्जाम्पल नंबर फाइव देखना है। टू रन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, टू कॉल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और टू शो एडवर्ब का काम कर रहा है। तो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जब नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जब नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे तो वो क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव। अब देखो ये क्या है? रन की आई एन जी फॉर्म रनिंग, और ये क्या है? क्राई की आई एन जी फॉर्म क्राइंग। ठीक है, ये रनिंग यहाँ पे किसका काम कर रही है? नाउन का। और ये वर्ब की आई एन जी फॉर्म यहाँ पे क्या काम कर रही है? एडजेक्टिव का। जब वर्ब की आई एन जी फॉर्म नाउन का काम करे तो वो क्या कहलाती है? जेरंड। जब वर्ब की आई एन जी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो क्या कहलाती है? पार्टिसिपल। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लेना और लिख लो साथ में। तो जो इन्फिनिटिव है इसके क्या कितने काम हो गए? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। कैसे कैसे हमने समझ लिया? जिरंड का काम क्या हो गया? नाउन का। और पार्टिसिपल का काम क्या हो गया? एडजेक्टिव का। ठीक है, बहुत ध्यान से इनको एक बार लिख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जब हम किसी भी टॉपिक को या किसी भी मतलब सब्जेक्ट को पढ़ते हैं ना, तो उसकी जब जड़ समझ आ जाती है तो वो समझ आ जाता है। तो ये इसकी जड़ ही है। एडजेक्टिव का काम कब? जब वर्ब की आई एन जी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे तो क्या कहलाती है? पार्टिसिपल, वर्ब की आई एन जी फॉर्म। जिरंड भी क्या होती है? वर्ब की आई एन जी फॉर्म। और ये क्या होती है? टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। ठीक है, पर अभी जो हमने समझा है उसके हिसाब से मैंने लिख दिया टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इसके अलग टाइप और भी होते हैं, वो बाद में समझेंगे। ठीक है, तो वर्ब की आई एन जी फॉर्म एडजेक्टिव काम, पार्टिसिपल। वर्ब की आई एन जी फॉर्म नाउन का काम, जिरंड। टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम, इन्फिनिटिव। एक बार लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, और इसको ना अब उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें अप्लाई करना, और फिर समझ के देखना कि हाँ ऐसे ही इंग्लिश पढ़ी जाती है। चलो अब जो हमारी इन्फिनिटिव होती है ना, वो फर्दर फोर टाइप की होती है। ठीक है, मेरे को लग रहा है वीडियो जा रहा है बड़ा, तो मैं वैसे इसके टाइप बता देता हूँ, बाकी बात आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसको सबसे पहले होते हैं सिंपल इन्फिनिटिव। ठीक है, फिर होते हैं कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, फिर होते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, और फिर होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। ठीक है, सिंपल इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव। अब देखो सिंपल इन्फिनिटिव भी दो टाइप की होती है। आपने एक वर्ड सुना होगा बेर इन्फिनिटिव, वो इसी का टाइप है। एक होती है फुल इन्फिनिटिव और एक होती है बेर इन्फिनिटिव। ठीक है, फुल इन्फिनिटिव जो होती है ना, वो जो हम अभी जो एग्जाम्पल लिखे थे ना, वो सारे फुल इन्फिनिटिव थे। जब टू प्लस वर्ब की दिख रहा है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म नाउन का, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एडजेक्टिव का, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म एडवर्ब का काम करे तो उसे क्या बोलेंगे? फुल इन्फिनिटिव। और यही काम नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का सेम काम अगर वर्ब की बेस फॉर्म ही कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेर इन्फिनिटिव। ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ध्यान रख लो। कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव क्या होता है? देखो कॉन्टिन्यूस से पता चल गया वर्ब की आई एन जी फॉर्म आनी है। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ यहाँ लिखने के लिए। तो टू तो आना ही है,
और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आनी है। ये बात समझ आई? इन्फिनिटिव है, टू आना है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। अब हमें पता है टू के बाद डायरेक्ट वर्ब की आईएनजी फॉर्म कभी नहीं आती, टू के बाद कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आती, तो इसके बीच में हमें लिखनी पड़ेगी बेस फॉर्म भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस जो होता है ना, अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो कॉन्टिन्यूस में बी की फॉर्म यूज होती है। थर्ड, परफेक्ट। अब देखो परफेक्ट है, टू तो देखो इन्फिनिटिव के लिए आना ही है, परफेक्ट है तो आपको पता होगा हैव यूज होता है, और टू के बाद कौन सा वर्ब की फॉर्म यूज होगी? बेस फॉर्म। तो हैव की बेस फॉर्म क्या होती है? हैव। और वर्ब की हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? हैव के बाद कहीं भी देखिए वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन्फिनिटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको पता चल गया टू परफेक्ट है तो हैव, कॉन्टिन्यूस है तो बी की फॉर्म, और हैव के बाद कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और जो वर्ब होगी जिसको हम क्या बना रहे हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? बी के बाद वर्ब की आएगी फॉर्म। ठीक है, इसको ना हम अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल में, कि आपको कभी जिंदगी में कहीं मतलब समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा आप दूसरे को ही समझा पाओगे। ठीक है, सिंपल इन्फिनिटिव, इसके बारे में मैं थोड़ी शीट दे देता हूँ। देखो टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म जब भी नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, नाउन एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे तो क्या कहलाएगी? सिंपल इन्फिनिटिव। अब इसका ना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसकी टाइमिंग। हमने पढ़ा कि जो इन्फिनिटिव होता है उसका खुद का कोई टेंस नहीं होता, क्योंकि टेंस से उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब सब्जेक्ट से ही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर इसकी टाइमिंग से कैसी रिलेशन होगी? तो इसके जब जो फाइनाइट वर्ब लिखी होगी ना, कहने का मतलब मेन वर्ब लिखी होगी, उससे हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो जो सिंपल इन्फिनिटिव होता है ना, इसका टाइम जो होता है ना, जो फाइनाइट वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब जो होती है ना, उसके बाद का होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के बाद का होता है। तो इतनी बात से आपको ना पता चल जाएगा कि कब कब यूज करना है, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ये बताती हैं कि जो एक्शन है ना, उस मतलब उसके बाद ही होना है। ठीक है, तो ये बात हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।